Yes, the next one is chapter mensuration perimeter here. The perimeter, what is perimeter? Perimeter is the length of the boundary of any closed figure. कोई भी closed figure है उसकी अगर boundary अगर आप count देखते हो तो that is your perimeter. The general formula of perimeter is sum of the length of all sides. After this आपको जो perimeter के questions हैं अलग अलग figures के आते हैं like here we are having the perimeter of rectangle. Rectangle and square. सबसे पहले स्क्वायर का डिस्कस करेंगे. स्क्वायर की अगर चारों साइड्स आप एस ले रहे हो ओके एंड चारों साइड्स अगर एस हैं तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. सभी साइड्स को जब आप प्लस कर देते हो एंड देन अगर आप सभी साइड्स को एस लेट कर रहे हो देन पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. सभी साइड्स को आप जब प्लस करोगे दैट मीन्स देखो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, फोर टाइम्स एस हो गया दैट मीन्स फोर एस. तो पेरीमीटर आपका स्क्वायर का क्या बन जाएगा, दैट इज फोर मल्टीप्लाई बाय साइड. आफ्टर दिस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का देखो पेरीमीटर हमेशा आपको पता है इसकी जो लेंथ है दोनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ब्रेथ भी दोनों इक्वल होती हैं. एंड हियर आपके पास पेरीमीटर इसका क्या आ जाएगा, दो लेंथ आ जाएंगी एडिशन में, लेंथ प्लस लेंथ एंड प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ. तो इस तरह से आपके पास ये टू एल हो जाएगा, एल प्लस एल, बी प्लस बी, टू बी. देन आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. देन आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर सम ऑफ सम अदर पॉलीगन्स. पेरीमीटर जब भी किसी भी पॉलीगन्स का निकालना है तो बाकी की सारी पॉलीगन अगर तो वो पॉलीगन इरेगुलर है तो सारी की सारी साइड्स नहीं इक्वल देन आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. अगर आपकी पॉलीगन जो है इक्वल साइड्स वाली है लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती है एंड तीनों साइड्स इक्वल होती हैं दैट मीन्स आप उस केस में पेरीमीटर लगा सकते हो थ्री मल्टीप्लाई बाय साइड. एंड स्क्वायर के केस में आपको पता है फोर साइड्स फोर की फोर इक्वल है, इन दैट केस यू विल पुट द वैल्यू फोर मल्टीप्लाई बाय एस, फोर मल्टीप्लाई बाय साइड जो आपने प्रीवियसली अभी किया भी है. आफ्टर देन पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन. पेरीमीटर आपका पॉलीगन का क्या आ जाएगा, सॉरी पेंटागन. पेरीमीटर जो है वो पेंटागन का आपका आपके पास आएगा. पेंटागन अगर आपका रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन मीन्स सारी की सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं. इस पेंटागन का आपका आएगा फाइव मल्टीप्लाई साइड. अगर आपने पेंटागन कोई भी फाइव साइडेड फिगर है तो उसे आप पेंटागन बोलते हो. अगर कोई भी फाइव साइडेड फिगर को आप पेंटागन बोलते हो, पेंटागन के केस में देखो अगर सारी की साइड्स इक्वल होंगी देन वो रेगुलर होगा. अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं होगी तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. एंड सिमिलरली हेक्सागन की सिक्स साइड है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन का सिक्स मल्टीप्लाई साइड. हेप्टागन की सेवन साइड्स है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेगुलर हेप्टागन का सेवन मल्टीप्लाई साइड. इसी तरह से जो आपकी टर्म्स क्वेश्चंस में आएंगी वो आप लोग यूज करोगे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट सेकंड. हियर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग. अपने इस टर्म का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. फर्स्टली वी कैन ऑब्जर्व हियर ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. ये कोई भी एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ना तो स्क्वायर रेक्टेंगल है. तो सिंपल सिमिलरली इसमें बेसिक फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. सभी साइड्स को प्लस करा आपने, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन प्लस टू थर्टीन, थर्टीन सेंटीमीटर इज योर आंसर. Then you can see the next question. Here we are having this kind of figure. इस figure में आप ये देखो all the sides are equal in length. And how many terms lines are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Six sided figure है, that means this figure is called hexagon. तो यहाँ पे आपका hexagon में six sides हैं, six के six equal है, तो आप ये formula लगा सकते हो six multiply side जो आप लोगों ने अभी previously भी देखे हैं. तो आपका formula हो जाएगा perimeter का six multiply by side. Then here you will write the perimeter of the regular hexagon, that is 6 multiplied by side. 6 multiplied side is ki kitni hai 3 cm and now you will get 6 threes are 18, 18 cm is your answer. After this in the next question like this you are having a figure that is a semicircle. If you want to find the perimeter of this semicircle then you will just put the formula sum of its two sides. Aap simply se two sides ko add karke hi find out kar sakte ho. 22 cm and 14 cm ko aap add kar doge. Definitely you will get the answer. Next question, find the length of the each of the equal side of the isosceles triangle. You know that in the isosceles triangle we are having two equal sides. टू आपकी इक्वल साइड्स होती है, एक अनइक्वल साइड होती है. एंड आपने निकालनी है इक्वल साइड्स जो है उनकी मेजरमेंट कितनी है. पेरीमीटर आपको गिवन है एंड अनइक्वल साइड जो है वो भी आपको गिवन है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द अनइक्वल द इक्वल साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल. दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी विल राइट द पेरीमीटर 30 cm, अनइक्वल साइड ऑल्सो 8 cm एंड देन
लेट द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल बी एक्स. हमने लेट कर लिए कि आइसोस्केलेस की जो इक्वल साइड है उसने एक्स लेट कर लिया. देन हमारे पास पैरीमीटर क्या हो जाएगा. पैरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ इट्स थ्री साइड्स. तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे तो पैरीमीटर आ जाएगा. देन देखो आपके पास एक जो पैरीमीटर है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर आपने एज इट इज लिख लिया. नाउ थ्री साइड्स जो है, टू साइड्स जो आपकी इक्वल साइड है उन दोनों के प्लेस में आपने क्या लिख देना, सिंपली पुट एक्स हियर. एंड वन जो अनइक्वल साइड आ जानी है दैट इज 8 सेंटीमीटर. तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स. एंड 8 सेंटीमीटर इस साइड में ऐड हो रहा है, दूसरी साइड में शिफ्ट करोगे तो वो माइनस हो जाएगा. नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गो 22 सेंटीमीटर. एंड ये जो 2 है इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं हो जब 2 और x के बीच में, दैट मीन्स द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट देयर. एंड 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, दैट मीन्स उनको डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर. तो आपकी जो साइड थी इक्वल वो दोनों की दोनों हो गई 11 सेंटीमीटर. ओके, सेम योर सेकेंड क्वेश्चन एज पर योर होमवर्क. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस बाय दिस रमेश गोज. दिस बाय दिस इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड की एक लेंथ और ब्रेथ आपको दी है, कितने बाय कितने की वो है. रमेश गोज 20 टाइम्स अराउंड इट, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर. तो आपको ये तो पता है रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगल की शेप में होगी, ठीक है. लाइक रेक्टेंगल के शेप में अगर है तो ये आपको क्लियर है कि डिस्टेंस आपको अराउंड अगर आप घूमते हो दैट इज योर पैरीमीटर. अगर आप इस साइड से जाकर के यहां से घूम करके फिर वापस सेम पॉइंट पे आ जाते हो दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर. अभी देखो इतने बाय इतने की फील्ड है तो वो कितने चक्कर लगाए उसने, 20 चक्कर लगाए. अगर सिंपली आप पैरीमीटर निकालते हो तो वो तो एक ही चक्कर होता है. फर्स्टली आप लोग ये फाइंड आउट करोगे कि वन टाइम वो अराउंड घूमने पर कितने सेंटीमीटर कवर करता है, कितने मीटर्स कवर करता है. देन अगर वो 20 टाइम्स अगर उसके अराउंड चक्कर लगाएगा देन वो कितना करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द सेम. फर्स्टली वी विल राइट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड. आप ये भी लिख सकते हो रेक्टेंगुलर फील्ड एंड रेक्टेंगल दैट इज 50 मीटर एंड ब्रेथ है 40 मीटर्स है. देन आप लोग क्या लिखोगे, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. आपके पास पैरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि प्रीवियस आपका फॉर्मूला है. नाउ आफ्टर दिस 2 मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ आपने वैल्यूज पुट करनी है इन दोनों में. नाउ 50 प्लस 40 सेंटीमीटर 40 मीटर्स दोनों मीटर्स में गिवन है. 50 प्लस 40 आपके पास आ जाएगा 90 मीटर्स. नाउ 90 मीटर प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 180 मीटर. तो एक डिस्टेंस कवर कितना करता है वो एक राउंड में, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट राउंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर जाता है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 राउंड्स. 20 राउंड्स में वो कितना करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 को 20 के साथ देन यू विल गेट द आंसर दैट इज 3600 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इट इज फॉर योर प्रैक्टिस. नाउ इन 6th क्वेश्चन आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हूज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन. यू आर हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ एंड यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर दैट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. यस, लेंथ एंड ब्रेथ का आपने जब फॉर्मूला पुट पहले वैल्यूज लिख करके देन आपने फॉर्मूला पुट किया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज द साइन ऑफ एडिशन. आफ्टर दिस 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 200 सेंटीमीटर्स.